हम लोग एक सम्स करवा रहे हैं आप लोगों को, बढ़िया से समझना है, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे। यहां पर हम ए लिखेंगे, अमाउंट आपको लिखना है, समझ रहे हैं? फिर से सुनो। आप बोलेंगे सर ए, अरे ए का मतलब जो यहां पर लिखा हुआ है सो लिखेंगे, पिछला सम्स को देख लो आप, बी। तो अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, मैं कैसे आऊंगा बोर्ड के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली अमाउंट में आपको क्या है, कोई दिक्कत नहीं। सी पढ़ रहे हैं आप लोग, बताइएगा, और अगर बताने के बाद अगर किसी को आना है तो आके आप अमाउंट लिखिएगा। शुरू करें। श्री अमित खन्ना अ बिजनेसमैन फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। बीच में ए से लेके जी तक दिया हुआ है, बट नीचे में देखो कुछ बात बोला है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ श्री अमित खन्ना, और एज्यूम करने के लिए बोल रहा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये देखिए, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। पहला है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा, कनाडा में इनकम किया, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव्ड हुआ। ये 5000 कहां पर लिखेंगे? तीनों में लिखेंगे, पक्का? कोई आके लिखना है किसी को? आइए। तो देखेंगे, अभी हमने पहला ये जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ा, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा, कनाडा में प्रॉफिट किया, रिसीव्ड इन इंडिया, मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों कोई रिसीव्ड करेगा, अगर इंडिया अगर प्रेजेंट रहेगा तो अमाउंट तीनों में आएगा, इसने तीनों में अमाउंट 5000 लिख दिया। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा, कनाडा में आपका कोई घर है, वहां से इनकम हुआ, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है 7000, ये अमाउंट कहां जाएगा? तीनों में। कैसे? इनकम चाहे कहीं पर भी हो, अगर इंडिया प्रेजेंट है तो तीनों में वो अमाउंट जाएगा। ये तो लिखिए कितना अमाउंट है। फोर्सफुली कुछ भी नहीं है, अमाउंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अगर आप आंसर जानते हो तो आप यहां पर आके लिखोगे सी नंबर। अगर किसी को आना है ऑलवेज वेलकम, आप जरूर से अपने डर को निकालिए, बोर्ड में लिखिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको चाहिए ही चाहिए, क्या बात का डर है। देखिए आपके ही बीच से एक फ्रेंड आए आपके, और कहां लिखेंगे आप लोग खुद ही बता दिए। आप बोलेंगे वो नहीं जानता था क्या? अरे जानता कैसे नहीं था, सीखा, अभी सिखाएं, इतना इजी है, ओरली सब कुछ देख रहे हैं। तीसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड, आपको एक इंग्लैंड में भी प्रॉपर्टी है, वहां से इनकम हुआ, डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, और वहीं पर जमा कर दिए, मतलब वहीं पर रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड किए, वहीं पर जमा कर दिए। अब यहां पर कंट्रोल नॉट कंट्रोल, क्योंकि दोनों बाहर हुआ है तो कंट्रोल नॉट कंट्रोल, कुछ नहीं बोलेगा तो नॉट कंट्रोल कहां होगा बोलिए? आप लोग का बोलना है कि एक में आएगा, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं सीख गए तो आपको बताना है। आप लोगों ने क्या बोला कि ये इनकम बाहर हुआ है, जमा भी बाहर हो गया, कंट्रोल नॉट कंट्रोल, कुछ नहीं बोला है तो नॉट कंट्रोल, एक में लगेगा और दो में, तो अमाउंट कितना लिखेंगे यहां पर? इसका मतलब यह हुआ कि मैं जो बार बार आपको बोलता हूं कि जो रिकॉर्डिंग में करवाता हूं ऑन गोइंग क्लास में लोग बैठे रहते हैं, और उसमें से ही आपने देखा कि कोई आया और लिख कर गया। इसका मतलब अब ये बात कभी नहीं होना चाहिए कि सर ये ऑन गोइंग क्लास रहता है कि आप ऐसे शूट करते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं अलग से शूट करूंगा। नेक्स्ट डी नंबर, बढ़िया से आप लोग को बताना है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में आपने बिजनेस किया, वहां प्रॉफिट हुआ, और वहीं के बैंक में जमा कर दिए, मतलब इनकम भी वहीं हुआ, मतलब रिसीव्ड भी वहीं हुआ, और वहीं पर इनकम भी जनरेट वहीं हुआ, दोनों बाहर ही हुआ। अब बीच में जो
ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, आगे अंडरलाइन करना, द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से। देखिए जो इनकम होता है, मान लीजिए आपके कोई अपने आउटसाइड इंडिया काम करने के लिए गए हैं, वहां जो भी वो इनकम करेंगे तो अपने फैमिली के लिए उसको वहां से पैसा भेजना पड़ेगा, जिसको रिमिट बोला जाता है। रिमिट, रिमिट में किसी भी तरह के टैक्स नहीं लगते हैं। जो इनकम आप जनरेट करते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है। मान लीजिए कोई बाहर आपके काम कर रहे हैं, वहां से आपके लिए पैसा भेजे, वो रिमिट हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर बोल रहा है आउट ऑफ विच 15,000 रुपया आपने इंडिया लाया, उससे मतलब नहीं है आप कितना लेकर आए, आप इनकम कितना किए। और बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? क्या होगा बोलिए? दो में आएगा और एक में नहीं आएगा। मतलब कंट्रोल बोलेगा तो दो में आएगा, यानी अगर दोनों चीज बाहर हो, अगर इनकम भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, और अगर कंट्रोल और नॉट कंट्रोल, कंट्रोल बोलेगा तो दो में आएगा एक में नहीं आएगा, और नॉट कंट्रोल बोलेगा तो एक में आएगा और दो में, तो कितना अमाउंट है? दो में आएगा ना। तो ए बी सी डी लिख रहे हैं यहां पर, जो क्वेश्चंस में ए बी सी डी है वो आपको लिखना है। पेंशन फ्रॉम सर्विस, पेंशन आपको मिल रहा है लेकिन सर्विस आपने इंडिया में दिया था, मतलब इनकम इंडिया में हो रहा है, बट रिसीव्ड कहां कर रहे हैं? इंग्लैंड में। आप देख रहे हैं लोग रिटायर होने के बाद इंडिया में नहीं रह रहे हैं, सब कोई बाहर कहीं कहीं, कभी कोई इंग्लैंड चला जा रहा है रहने के लिए, कोई इसराइल में चला जा रहा है रहने के लिए, तो कोई आप अभी तो पढ़ ही रहे हैं, अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं तो अभी बहुत मंजिल दूर है। और अभी बताइए, फिर से पढ़ रहा हूं, पेंशन आपको इंडिया में मिला बट रिसीव्ड इंग्लैंड में कर रहे हैं, ये 20,000 रुपया कहां आएगा? क्यों तीनों में आएगा? अगर आप इनकम इंडिया में करते हैं, रिसीव्ड चाहे कहीं पर भी करिए, उस अमाउंट के ऊपर टैक्स सभी को देना पड़ता है। प्रॉफिट आप कर रहे हैं कहां से? एक बिजनेस कर रहे हैं पंजाब, अरे अपना पंजाब, इंडिया वाला पंजाब का बारे में बात हो रहा है। तो इनकम आप इंडिया में कर रहे हो और कुछ नहीं बोला है, तो नो डाउट रिसीव्ड भी इंडिया में, इनकम इंडिया में, पंजाब में आप इनकम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, रिसीव्ड भी यहां पर कुछ नहीं बोला है, तो कहां आएगा ये? लास्ट वन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। आपका इंग्लैंड में खेती बाड़ी है, वहां से आपने इनकम किया। इंटायर अमाउंट स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज सन इन इंग्लैंड, और वहीं पर आपका लड़का भी पढ़ता है, उसके ऊपर पूरा खर्च कर दिए। देखो जी, हम पहले ही आपको बोल दिए हैं, इनकम टैक्स जो आप इनकम करते हो उसके ऊपर लगता है, आप जो खर्च करते हो उससे कोई मतलब इनकम टैक्स को नहीं है। इनकम टैक्स को सिर्फ मतलब यह है कि आप कितना इनकम किए। अरे इनकम किए तो कुछ खर्च करेंगे ही करेंगे, जो बचेगा उसका सेविंग कहलाएगा आपका। ना खर्च से मतलब है इनकम टैक्स को, ना आपके सेविंग से मतलब है। हाँ, उसको हम लोग वहां नोट डाउन करवाते हैं कि क्या हमने बचाया, क्या खर्च किया, वो हम लोग वहां पर एक प्रोसेस है बताने का, तभी तो पता चलेगा आपने कितना सेव किया। बट टैक्स किसके ऊपर लगता है? टैक्स ना सेविंग के ऊपर लगता है, ना एक्सपेंस के ऊपर, आप जो इनकम किए। तो यहां पर बंदे ने कितना इनकम किया? 10,000। ठीक है, इनकम कहां किया? बाहर में, और रिसीव्ड भी बाहर में किया, ये बात अलग है, खर्च पूरा कर दिया, तो दोनों बाहर में हुआ। कंट्रोल नॉट कंट्रोल, क्या आप मानेंगे बोलिए? क्योंकि हम तो पहले ही बोले, जब तक कंट्रोल नहीं लिखेगा तो नॉट कंट्रोल। क्या होगा बोलिए? एक में आएगा और दो में, अभी टोटल करना पड़ेगा, टोटल करके क्या लिखेंगे आप? क्या समझ में आया? रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स एट ए गैलेंस। अभी आपने देख लिया कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है और टैक्स का कैसे कैलकुलेशन होता है। अभी कितना आसान आपने देखा, कुल मिला के क्या हुआ,
कुल मिला के क्या हुआ उसको अब समझना है। वो जो आपको मैंने रूल लिखाया कि इनकम अगर आप अर्न कर रहे हैं इंडिया में, रिसीव्ड भी कर रहे हैं इंडिया में, तो तीनों को लगेगा। अगर इंडिया में आप अर्निंग्स कर रहे हैं बट रिसीव्ड नहीं कर रहे हैं तब भी तीनों को लगेगा। इंडिया में अर्निंग्स नहीं हो रहा है लेकिन रिसीव्ड अगर इंडिया में हो रहा है तब भी तीनों को लगेगा। दोनों अगर बाहर में हो रहा है तब कंट्रोल और नॉट कंट्रोल का होगा। और पास्ट अनटैक्स रहेगा तो पास्ट अनटैक्स लिख के सभी में नील 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 लिखना है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बोल देगा तभी सभी में नील 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 लिखना है। ऐसे नहीं आए, आगे ऐसे सवाल आएंगे। ओके, कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पर इसमें हम एक सम्स और भी जरूर करवाते हैं, तुरंत हो जाएगा क्योंकि ABCD करके लिखेंगे और तुरंत हो जाएगा। बाद में क्या होता है, ये CS का सवाल रह जाता है तो हम लोग इसको नहीं रहने देंगे। एक CS का सवाल करवा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। राम हैज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और नीचे में लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, और एज्यूम किया है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और साथ ही साथ क्या बोलिए, मतलब तीनों का तीनों हम लोग को करना है। क्या बोला है जरा बढ़िया से देखेंगे। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में आपने सैलरी रिसीव किया कितना, क्या होगा बोलिए, तीनों में आएगा। इनकम इंडिया में हो रहा है, रिसीव्ड बोले ना बोले हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इनकम आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया में, वहां से इनकम हो रहा है कितना, कहां पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन SBI, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपना इंडिया का SBI, इंटरेस्ट SBI से मिला, इनकम कहां हो रहा है इंडिया में, कितना, तीनों में आएगा। वैसे आप देख रहे हैं ABCD नहीं है बट हम पहला को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी ऐसे मान रहे हैं क्योंकि अभी भी आप भी जब लिखेंगे तो 1-2 या तो रोमन 1-2 लिखेंगे इधर में या ABCD लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। देखो नेक्स्ट, अमाउंट आप लेकर आ रहे हो इनटू इंडिया आउट ऑफ द, अंडरलाइन करो, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। ये मैंने आपको लिखवाया था ना, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, यहां पर इनकम जर्मनी से हो रहा है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम आपका एग्रीकल्चर से हो रहा है इंडोनेशिया में, यानी इंडोनेशिया में आपका इनकम हुआ और इन्वेस्टेड देयर, और वहीं पर आपने इन्वेस्ट कर दिया, यानी इनकम वहीं हुआ, रिसीव्ड भी वहीं हुआ, कंट्रोल नॉट कंट्रोल नहीं बोला है तो क्या होगा, नॉट कंट्रोल, तो किस में आएगा, एक में आएगा और दो में कितना। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश, इनकम आपका एक बिजनेस है बांग्लादेश में, वहां से आपने इनकम किया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है लिख दिया तो दो में आएगा और एक में कितना अमाउंट है। बेहतरीन, लास्ट वाला बहुत ही अच्छा से बोला है, जरा ध्यान से देखिए। डिविडेंड रिसीव्ड इन बेल्जियम कंपनी, बेल्जियम का कंपनी है, वहां से आपने डिविडेंड को रिसीव्ड किया, बेल्जियम में एक फ्रेंच कंपनी था, यानी डिविडेंड आपने रिसीव्ड किया बेल्जियम में, आउट ऑफ विच उसमें से 2,500 रुपया आपने इंडिया भेज दिया, उससे कोई मतलब नहीं है भेजने वाला चीज से, आप इनकम कितना कर रहे हो 23,000, तो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है कहां से, बाहर से, ठीक है, इनकम भी बाहर से हुआ फ्रेंच कंपनी से,
और आप रिसीव किए बाहर में, कंट्रोल नॉट कंट्रोल नहीं बोला है, तो आप क्या मानेंगे? तो क्या होगा बोलिए? ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, और फिर वैसे ही डिडक्शन लिख के, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CTU नील हो जाएगा सभी में, और यही टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, यानी टोटल इनकम हो जाएगा। क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है? अब मेरे को आप लोग एक मिनट में एक बात बता दीजिए, कॉपी कीजिए जल्दी से, एक मिनट में एक बात बताना है, मिटा दे क्या? ये जो रूल लिखाए थे हम, टैक्स लायबिलिटी का, कितने लोगों को याद हो गया? सभी को याद हो गया? वही इनकम आपने कहां जनरेट किया? इंडिया में, रिसीव्ड इंडिया में। सभी को हो गया? देखिए, अगर नहीं हुआ, ये कहानी था, देखो पहला नंबर, यहां भी टिक किए, देखिए आप आराम से पढ़ सकते हैं। इनकम आपने अर्न किया इंडिया में और रिसीव्ड भी किया इंडिया में, तीनों लोगों को क्या करना पड़ेगा? उस अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा नंबर मैंने किया था कि इनकम इंडिया में नहीं हो रहा है, देखिए कितना आसानी से आप पढ़ सकते हैं, इनकम नॉट अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया तो प्रेजेंट है, इसका मतलब आप समझ गए कि इनकम हमने इंडिया में अर्न किया बट नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों कट, इनकम ना इंडिया में हुआ है ना रिसीव्ड भी इंडिया में हुआ है। तो यहां तक तो 1, 2, 3 में तीनों को टैक्सेबल होगा, लेकिन यहां पर दो बात है, कंट्रोल और नॉट कंट्रोल। अगर कंट्रोल रहेगा तो दो में लगेगा, एक में नहीं लगेगा, और नॉट कंट्रोल में एक में लगेगा, दो में नहीं लगेगा। और कितना आसानी से जो बात मैंने आपको बताया था, आप यहां से खुद पढ़ सकते हो और खुद यहीं से देख के लिख भी सकते हो। उम्मीद है टैक्स आपको बहुत मजा आ रहा होगा करने में, क्योंकि काफी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि फिर भी एक दुख तो माथुर सर को रह ही जाता है, इतना इजी करके सारे बातों को बताने के बाद भी मेरा जो चैनल है 1 ईयर प्लस हो गया एंड सब्सक्राइबर, मैंने सोचा था कि इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो 1 लाख तो आराम से हो जाएगा, बट कहीं पर कमी किधर है? शायद मेरे में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूं और जो जो पढ़ाते जा रहा हूं उसको अपलोड करवा रहा हूं। अब धड़पड़ करने से तो होगा नहीं, बहुत सारे चीज़ों को मैंने डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, बाकी जो बचा हुआ है पढ़ा रहे हैं तभी होगा। मैं एक्स्ट्रा तो किसी के लिए आके इधर पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, गवर्नमेंट इम्प्लाई है, काम तो करना पड़ेगा बैंक में, उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वाले को ज़्यादा सपोर्ट का दरकार है, तो मेरे सब्सक्राइबर, आप बोलेंगे सर सब्सक्राइबर बढ़ने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आप बोलेंगे सर व्यू करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ना सब्सक्राइबर से कुछ होता है ना व्यू से होता है, बस ये यूट्यूबर को एक ताकत देता है अंदर से कि मेरे इतने फॉलोवर हैं, बस और कुछ नहीं है। बट इतने के लिए अगर आपको सब्सक्राइब अगर करना है तो वेल एंड गुड कीजिए, नहीं करने से फिर भी अंदर से मैं उतना ही स्ट्रेंथ से पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बाकी आपका, अगर आपको करना है तो आप जरूर कीजिए।